बैठा है इब्ने ज़ियाद बदनिहाद जालिम बेईमान लानती मर्दूद मनहूस पलीद शकी अजली जहन्नमी जितना हो सकता है कह लो ये बख्शिश की निशानी है। हुसैन के दुश्मनों पर जितनी लानत भेजोगे उतनी अल्लाह की रहमत उतरेगी तुम पर। लोग कहते हैं जी यजीद को लानती ना कहो और किसको कहें, तुम्हें तुम्हें दर्द होता है, तुम्हें कोई तकलीफ है, यजीद के साथ तुम्हारी रिश्तेदारी है, यजीद तुम्हारा बापू लगता है और जिसकी मोहब्बत कुरान ने फर्ज की है उससे तो मोहब्बत नहीं करते, और जिस यजीद पर नबी ने और अहले बैत ने लानत भेजी है उससे मोहब्बत करते हो। जालमो तुम्हारी लंबी दाढ़ियां और तुम्हारे माथों पे सिजदों के निशान ये जन्नत में जाने के काबिल नहीं, दाढ़ियों समेत जहन्नम की तरफ बिल्टी किए जाओगे। ये तुम्हारी दाढ़ियां किसी काम की नहीं, तुम्हारे सिजदे किसी काम के नहीं। अगर तुम्हें हुसैन की खून से रंगी हुई दाढ़ी का एहतराम नहीं, अगर करबला में तपती रेत पर हुसैन के सजदे का तुम्हें एहतराम नहीं, बदबख्तो जन्नत तुम पे हराम है, हराम है, हराम है। उस जन्नत के दावेदार बनते हो, दिल में हो बुग्ज़े अली और काबे का तवाफ, ये काबे के फेरे तो है तवाफ नहीं। और हुसैन से बुग्ज रखने वालों सुन लो गौर से, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, सजदा हराम है, नमाज हराम है, हज हराम है, रोजा हराम है, जकात हराम है, तलावत हराम है, इबादत हराम है, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। अरे जाहिद, अरे मुल्ला, तेरी नमाज को मेरा सलाम है। तेरी नमाज को हम क्या करें, तेरी दाढ़ी इस काबिल नहीं उस पे एहतराम करें। पहले हुसैन की दाढ़ी का एहतराम।